नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर के जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बिहार पहुंचे हैं, तो वहीं संबित पात्रा ने कहा कि मैं बिहार से हूँ, सबसे पहले मैं बिहार की मिट्टी को नमन करता हूँ। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात में कहे गए आपातकालीन के विषय पर भी चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कि आज बिहार राज्य में मेरा गमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन महामंत्री जी और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को आज हम सबने सुना है। विशेषकर से जिस प्रकार से आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे, जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया और संघर्ष के बाद किस प्रकार पुनः हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया उसके विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है मन की बात। मैं आज बिहार की इस मिट्टी को नमन करता हूँ क्योंकि आपातकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध, आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरम्भ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरम्भ हुआ था। ये पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से जहाँ से लोकतंत्र का शंखनाद दोबारा हुआ है, मैं आज धन्य मानता हूँ कि मैं आज एक सांगठनिक कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। तो देखा आपने, संबित पात्रा ने जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में कहे गए आपातकालीन के विषय पर चर्चा की, तो वहीं उन्होंने बतलाया कि आपातकालीन के वक्त में जिस तरीके से हमारे पूर्वजों को संघर्ष करना पड़ा वो कितना कठिन था। साथ ही प्रधानमंत्री के निर्मल की बात में जो भी बातें कही गई उसे लेकर के संबित पात्रा कहते नजर आए। जब संबित पात्रा से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर के सवाल किया गया तो वह कुछ भी कहने से इनकार करते नजर आए। आपको बता दें कि संबित पात्रा के साथ साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी आज पटना में मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।